सर, आपका नाम और आप बैंकिंग सेक्टर को लेकर इस बजट को, इंटरिम जो बजट अभी इस बार आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? डियर मिस्टर, ये बार बजट में जैसे इंटरिम बजट तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आया है, दिस इज नॉट ए फुल फ्लेज्ड बजट, बट फोकस हैज बीन ऑन स्मॉल लोन्स टू स्मॉल बोरोअर्स, लाइक मुद्रा लोन के ऊपर काफ़ी फोकस था। इधर फोकस है सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा के लिए, एंड बैंक्स के लिए जो सबसे अच्छा ये होगा कि सरकार ने फिस्कल डेफिसिट पाथ जो है, जो 5.9% था उसको अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5.7%, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए 5.1%, एंड जो 25-26 हमारा जो फिस्कल का ग्लाइड मैप है 4.5, वो स्टिक कर रहे हैं। इससे बॉन्ड मार्केट का प्राइसिंग अच्छा रहेगा, एंड जो बैंक बॉन्ड होल्ड करते हैं जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, उनका मुनाफा काफ़ी अच्छा होगा। क्या आपको लगता है करके इससे लोगों को लोन मिलने में अभी आसानी होगी, या फिर बैंक्स के जो इंटरेस्ट वगैरह है, जिस तरीके से सर्कुलेशन होता है मनी फ्लो का, क्या वो अब आसान तरीके से होगा? क्या इससे बैंक को ज़्यादा फ़ायदा होगा या आम जनता को भी इंटरेस्ट पर लेकर फ़ायदा होगा? आम जनता को भी फ़ायदा होगा, पर ये फुल प्रोजेक्ट नहीं है, अभी एक इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेटेड है, इंटरेस्ट रेट के बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकते, बट दे हैव एम्फसाइज्ड ऑन क्रॉप इंश्योरेंस, दे हैव एम्फसाइज्ड ऑन मुद्रा लोन, दे हैव एम्फसाइज्ड ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ये सब छोटे लोगों को लोन के लिए एनकरेजिंग सिंबल्स।